हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ब्लॉग शुभम। सो मैं और मम्मा घर पे थे एंड आज हम लोग कैंटीन जा रहे हैं। जैसा आप लोगों को पता है माई फादर सर्व्स इन इंडियन नेवी, तो हमारी स्पेसिफिक कैंटीन होती है जहाँ से हम घर का सामान और सारी चीज़ ले सकते हैं। तो मैं घर पे आया था एंड मेरी मम्मा सेड कि घर का सामान ख़त्म हो चुका है, सामान लेने चल ले। तो अभी मैं और मेरी मम्मा बस रेडी हो रहे हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरी मम्मा रेडी हो रही हैं एंड हम लोग नोएडा जा रहे हैं। नोएडा में जो ऑफिस है उसकी कैंटीन है, वहाँ से जाते हैं, सामान लेते हैं। तो आप लोगों को भी लेके चलता हूँ, आप लोगों को भी, जो लोग नहीं जानते, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को भी दिखाते हैं। एंड यार अभी मौसम भी चेंज हो चुका है, अभी एक दो दिन से बारिश भी पड़ रही है, पता ही नहीं चल रहा गर्मी है क्या है, कोई इश्यूज़ नहीं है। एंड दो तीन दिन में आई विल बी ट्रैवलिंग समवेयर एज वेल, ट्रैवल व्लॉग्स भी आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, चैनल पर बने रहें। जेन्युइन क्लच एंड माय मामा, ऑल सेट मामा, चले द आर्टिस्ट द आर्ट, यही सारा जेनी ने करा हुआ पूरा, है ना, है ना जेनी। तो लेट्स गो गाइस। बहुत दिन बाद मेरी मम्मा मेरे ब्लॉग में आ रही है। अब मेरी मम्मा की तबीयत ठीक है, है ना। तो आज मेरी मम्मा बहुत दिन बाद आई हैं। लास्ट मेरी मम्मा मेरे साथ बाहर हॉस्पिटल गई थी, जो मैंने हॉस्पिटल वाला वक्त डाला था, उस दिन के बाद आज मेरी मम्मा बाहर निकली हैं। मेरी मम्मा घर से बाहर अकेले जाती नहीं है, अंटिलनेस मैं अकेले लेके नहीं जाता हूँ, है ना माँ, घर पे रहती हैं। तो आज निकले हम दोनों, माँ बेटा, बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे मम्मा कहाँ हैं, मम्मा को लेके आओ ब्लॉग में, आ चुकी हैं। मुझे नहीं लेके आए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज दोनों निकले हैं, चलते हैं। अभी हम नोएडा जा रहे हैं कैंटीन में, देखते हैं क्या सामान मिलता है वहाँ पे। सारा ना आपका ग्रोसरी आइटम्स या जितना भी आपका, जैसे कौन सा सामान मिलता है, ग्रोसरी बैग वैग है, ए टू जेड सारी चीजें मिल जाती हैं। नहीं, ए टू जेड तो ऐसा नहीं है, वॉशिंग मशीन और बैग्स, जैसे अलग अलग कैंटीन, बड़ी कैंटीन में सारा सामान मिलता है। हमारी कैंटीन ये वाली छोटी है, तो इसमें ग्रोसरी का सामान ज्यादा मिलता है और हमें रिक्वायरमेंट भी ग्रोसरी बड़ा झंझट रहता है, ये मशीन ये सब हमने तो बाहर से ही खरीद ली थी। वैसे मिलती सारी चीजें, गाड़ी से लेके वॉशिंग मशीन से लेके सब कुछ ले सकते हो आप कैंटीन से, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा हेक्टिक है, बहुत है। पर आप ग्रोसरी आइटम्स सब लेने के लिए जा रहे हैं बेसिकली, बस तो वो सब ले सकते हैं। जाओ अपना कार्ड यूज करो और अपना पेमेंट करो, ले। तो बाहर से बहुत ज्यादा चीप पड़ता है, टैक्सेस नहीं लगता उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, ये फायदा होता है गवर्नमेंट जॉब का। तो कैंटीन में एंट्री लेने के लिए भी ना ये कार्ड चाहिए होता है, ये मेरा कार्ड बना हुआ है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसके बिना एंट्री नहीं है। मैं ये कार्ड जब दिखाऊंगा तब मेरी एंट्री होगी अंदर एंड फिर आप अंदर जा सकते हो एंड सामान ले सकते हो। तो ये वाला कार्ड है अपना, ठीक है, तब ये गेट पे दिखा देंगे एंड एंट्री लेंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, चलिए एंट्री करते हैं। सो दिस इज द प्लेस, भारतीय तटरक्षक, अंदर एंट्री कर चुके हम लोग एंड ये रेसिडेंशियल क्वार्टर्स भी हैं सारे एंड इसी में कैंटीन भी है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे कैंटीन है ये रही। तो यहाँ पे ना रेसिडेंशियल क्वार्टर्स में, अगर मेरे पापा नोएडा में पोस्टेड होते तो हमें यहाँ पे भी घर मिल जाता एंड ये पूरा सामने बास्केटबॉल ग्राउंड, अगर आप लोगों को दिखाऊं, भारतीय तटरक्षक एंड ये सारे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं पूरे एंड ये रही कैंटीन अंदर, यूनिट रन कैंटीन, लेट्स गो। बहुत दिन बाद आ रहे हैं, एंट्री हो गई है, सारा सामान रखा हुआ, अगर आप लोग दिखाऊं, अभी तो खाली है कैंटीन, इतना कुछ सामान है नहीं, सारा सामान है, सारा सामान, ये सारा खाने पीने का है, अगर आप लोग देखोगे, ये मेरी मम्मा, सारी चीज़ें, दाल तेल सारा सामान।
ताज नहीं है। इसमें सारा सामान रखना है कि जो जो मिल रहा है। सारी चीजें ओके। कपड़ों का फैब्रिक कंडीशन ज्यादा सामान है नहीं वैसे तो, कैंटीन पहुंच चुके हैं पर सामान ज्यादा कुछ है नहीं, अभी सामान ले रहे हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए हो तो सारे रखे हुए हैं। तो सारी चीज़ ना MRP से बहुत सस्ती मिलती हैं, ये फायदा हो जाता है कैंटीन में। दो फेस वॉश रख लिया, बाकी सारे ऑयल ऑयल परफ्यूम साबुन ये सारी चीज़ें, इनसे कोई मतलब नहीं है मेरा। पेप्सोडेंट क्लोजअप सफोला ओट्स कॉम्प्लान, वैसे ना बहुत ज़्यादा सामान होता है, सारी भरी होती हैं, अभी खाली है एक्चुअली, ले गए होंगे लोग, आते रहते हैं लेते रहते हैं, कोई नहीं जितना सामान हो पाता है उतना ले लेते हैं अपना चलते हैं। ठीक है, सारे ऑयल ऑयल भी सारी चीज़ें अपनी, सारा मसाले वसाले सब कुछ। तो हमारे घर से ना सबसे पास ये वाली कैंटीन है तो हम इसमें आ गए, इससे बड़ी भी कैंटीन होती है, वहाँ पर और भी सामान होता है लेकिन वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो पास ही पास है इसलिए आ जाता हूँ यहाँ पर। मेरी मम्मा लगी हुई है दो मम्मा, वो तो बेबी लोशन है जो अपने हाथ में देवा डर्मल जेल है, ये आपसे फेस वॉश के बाद लगाने के लिए क्या रखें। अच्छा वो तो है नहीं, गार्नियर का ये ना लेकिन वन ही है ना, नहीं थ्री नंबर नहीं है इसमें, ये पॉइंट थ्री आएगा पता नहीं, कलर कुछ और ना हो जाए कुछ नहीं, ये ब्लैक है, ब्लैक है ब्लैक है, वन लिख रहा है ना इस पे, वन ब्लैक है, थोड़ा कलर नहीं 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 ब्लैक है। चॉकलेट भी लिख लेते हैं बहुत है, इतनी प्रोटीन मिट ले रहा हूँ मैं, खा लेंगे। इतना सारा सामान हम ले चुके हैं ऑलरेडी, सामान नहीं है बोल के भी है, इतना सामान लिया हम लोगों ने अभी, ये दो टोकरी हमारी है अभी तो, अभी ये है यहाँ पे, अभी जो भैया आते हैं बिल काटने वाले वो आएंगे, यहाँ पे अपना कार्ड देना होता है, तो ये वाले कार्ड्स है हमारे कैंटीन के, ये दिखा नहीं सकता मैं आपको, कैंटीन स्मार्ट कार्ड, तो ये लेके बिलिंग हो जाएगी एंड विल गो आउट। एंड यहाँ पे ना दारू भी मिलती है, अगर आपको को दिखाऊँ ठीक, तो जो जो लोग दारू पीते हैं बहुत सस्ती मिलती है, ये डिफरेंस है। हेयर ड्रायर चाहिए तो सही, पर कैसी पावर हो इसकी कैसे नहीं पता नहीं है, फिलिप्स को हाँ ये ले लेंगे, फिलिप्स वाला। तो ये मेरा ड्रायर ख़राब हो गया था जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ, तो ये वाला हेयर ड्रायर भी ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है मम्मा, ये सारा सामान है हमारा, अगर आप लोगों को दिखाऊं ठीक है, ऐसे बिलिंग होती है यहाँ पे, सारी बिलिंग होती रहेगी, सामान ले लिया ना हो तो भी इतना सामान ले लिया हमने, पर ठीक है। तो सारा सामान ले चुके हम लोग ऑलमोस्ट, सारा कैंटीन सामान ले लिया, मामा बैठ गई, एंड सामने बास्केटबॉल कोर्ट है, जिसको नहीं पता आपका भाई बास्केटबॉल खेलता था, आई वॉज माई स्कूल टीम कैप्टन एज वेल, तो यार बास्केटबॉल कोर्ट देख के पुरानी यादें ताजा हो गई। एंड ये सारे घर हैं, अगर मेरे पापा यहाँ पे पोस्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे घर मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये सारे वो हैं, अभी तो ही इज पोस्टेड इन मुंबई, एंड बारिश होने वाली है, अगर आप लोगों को दिखाऊँ मौसम हो गया बारिश का पूरा, जल्दी चलते हैं, सब निकल गए बाहर,
चलते हैं घर यार जल्दी से, भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। मम्मा क्या खिलाओगी? आटा भी लेना है। आटा लेना है। बनाओगी क्या? बना बनाया खा लेंगे। सब्जी रोटी ठीक है, सब्जी रोटी खाएंगे, बहुत तेज भूख लग रही है। लेट्स गो एंड बारिश का मौसम हो गया बिल्कुल, थोड़ी देर में बारिश पड़ने वाली है, जल्दी जल्दी घर चलते हैं। हमारा स्टॉक खत्म हुआ नहीं, अभी और सामान लेना है। तो मेरी मम्मा विशाल मेगा मार्ट लेके आई हैं, फिर यहाँ पे चल, तो विशाल मेगा मार्ट चल रहे हैं। आ गए अंदर, मेरी मम्मा कह रही बहुत दिन बाद बाहर लाया हूँ ना, तो कह रही इसमें भी चल रहे, मेरे को लेके चल, तो मैं लेके आ गया। तो मैंने चलो घूम लो आप भी, कोई नहीं, मौज मारो। तो मेरी मम्मा देख रही हैं, यहाँ भी शॉपिंग चालू हो गई अपनी, ठीक है। मैंने जिम वेयर लिए हैं, 99 रुपीज़ के बस टी शर्ट्स दो, तो अभी लेते हैं और देखते हैं सामान, चलते हैं। मेरी मम्मा देख रही है, तो आज मम्मा को बाहर लेके आऊँ, मॉम इज डे आउट। देखो देखो मम्मा सूट देख रही है अपने लिए, देख लो जो लेना है ले लो। वो जो सारा सामान हम लोगों ने लिया था वो सिर्फ हम दो लोगों का था, कि हम दो लोग इतना लोग इतना सामान खा जाते हैं। अभी यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे का सामान लेते हैं, तो लेट्स सी। अभी मेरी मम्मा देख रही हैं, मैं तो अभी ऐसा कुछ देख नहीं रहा हूँ, मम्मा कपड़े देख रही हैं अपने पीछे, ये रही ये देखते हैं। अब मम्मी को अभी घूमने दो, कोई नहीं, तो मुझे नहीं पता था यहाँ पे कपड़े इतने सस्ते हैं। यहाँ पे सारी टी शर्ट आप देख रहे हो सारी 99 रुपीज़ की हैं बस, अगर आप देखोगे ना इनका जो प्राइस है सिर्फ 99 रुपीज़ है। आई डिडंट नो इतनी, और अच्छी लग रही हैं, ये कलर अच्छा है, ये कलर अच्छा है, ये कलर अच्छा है, तो इट्स सो नाइस। बहुत सारे कपड़े हैं, सही है, देखते हैं। सारा ही मोस्टली 99, 200, बहुत सस्ती टी शर्ट्स हैं यार, तो लेट्स सी दिस वन, ये कलर अच्छा लग रहा है मेरे को। मैंने ऐसा नहीं कि कपड़ा बेकार है, ये भी 99 की होंगे, ये भी अच्छी लग रही है। तो ये ब्लैक टी शर्ट मैंने देखी है, एंड दिस जस्ट फॉर 199 रुपीज़, एंड इट्स लुकिंग सो नाइस, इट्स लुकिंग नाइस, सिंपल एंड कपड़े भी अच्छा है इसका। एंड अभी एक दो टी शर्ट्स और ट्राई करनी है, आई विल बी ट्राइंग दिस ब्लू एज वेल, ये ब्लू कलर भी अच्छा लग रहा है। एंड इसमें और कपड़े ले रखे मैंने, तभी इन्हें भी ट्राई करते हैं, तो जल्दी से ट्राई करते हैं। अभी हम फिर से ग्रोसरी एरिया में आ गए हैं, इसमें थ्री आइटम्स के एरिया में आ चुके हैं, अभी भी हमारा हुआ नहीं दो लोगों का, है ना मम्मा? हम दो लोग कितना खाते हैं क्या सोच रहे होंगे सब, ना पूरे महीने का जाता है। हाँ पूरा महीने का राशन है, ठीक है गाइस, ठीक है ठीक है। वहाँ पे सामान ज़्यादा था नहीं, तब यहाँ से ले रहे हैं। केचप लेना है? केचप है नहीं क्या, खत्म हो गया हमारी, ले लो। अच्छा उस दिन तो ढूंढ रहा था। वो जो सब्जी बना रहा था यहाँ पे, ये चीज़ बढ़िया, यहाँ पे सब चीज़ एक के साथ एक फ्री है। एक हो गए 140 का, 70 रुपये का पड़ रहा है, सही है। ये हमने बिस्किट लिए, ये भी बाय वन गेट वन है, चलो लेते हैं सामान। यहाँ पे भी शॉपिंग चल रही है अपनी, हाँ रख दो ऐसी मम्मा, आप तो बिल्कुल सजाने में लग जाओ। यहाँ पे भी दो टोकरी भर चुकी है अब तक हमारी फिर से, और अभी और सामान देख रही है मेरी मम्मा, ठीक है। देखो देखो आज शॉपिंग हो रही है, चलो बहुत टाइम बाद कर रहे हम, 2-3 महीने बाद जैसे आ रहे हैं, तो एक साथ ही सारा सामान ले लेते ताकि बार बार जाना ना पड़े, बस ये रीज़न होता। तो ये है कि बार बार जाना नहीं पड़ेगा, एक साथ सारा सामान ले देंगे, इसलिए सारा सामान ले रहे हैं, है ना मम्मा? जल्दी से लेते हैं, दो टोकरी अपनी रखी हुई है, अभी और सामान देखते हैं क्या समझ आता है। सामान बहुत अच्छा है विशाल मेगा मार्ट में यार, बाकी से फाइनली डन विद द शॉपिंग। एंड बारिश होने लग गई है, अगर आप लोगों को दिखाऊं, इट्स ऑल रेनिंग। हाँ चल।
बारिश हो रही है एंड भीगने लग गए, तो जल्दी से चलते हैं यार, हो गया शॉपिंग जितनी करनी थी, ऑल डन फॉर द डे। मम्मा थक गई थक गया यार, थक गए, भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है कसम से, कुछ भी खवा दे अब तो ऑर्डर करना पड़ेगा, ऐसा तो काम हो नहीं पाएगा, कुछ भी खवा दे भाई, चलो यार सारा सामान है। अच्छा चलो कुछ खाते हुए चलते हैं, ठीक है ठीक है, बनाने की हिम्मत नहीं है एंड भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज एंड बारिश भी पड़ रही है, अगर देखोगे थक गए। तो यार अभी धूप निकली हुई थी ना, आप देख लो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, मौसम का ही नहीं पता चल रहा क्या मौसम चल रहा है एंड अभी हम घर वापस जा रहे हैं, नहीं अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं, अभी शायद मिठास जाएंगे कुछ खाएंगे एंड फिर घर चलेंगे, बहुत बारिश है, मिठास आए हैं खाना खाने, एंट्री यहाँ से, चलो भूख लग रही है बहुत तेज, चलते हैं कुछ खिलाते हैं मम्मा को। हेलो भैया क्या हाल है, नमस्कार भाई, नहीं खाना है, हाँ कैसा लग रहा है बहुत दिन बाद बाहर आ गए, हैं नहीं बताऊं क्यों, मेरी मम्मा थक गई, तबीयत ठीक हो चुकी है लेकिन अभी भी ना वीकनेस है बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत देर भी कुछ एक्टिविटी करती हैं थक जाती हैं, तो थक चुकी हैं इसलिए मैं कुछ खाने के लिए लिया कि कुछ खा लेंगे हम लोग, है ना, तो अभी कुछ खाते हैं जल्दी से, मैंने देख ली और कुछ समझ आ रहा है, तो अभी पहला ऑर्डर दे दिया हमने, जल्दी से देखते हैं आते नहीं आते क्या है, खाते हैं बहुत तेज भूख लग रही है भाई बहुत कसम से, जल्दी से खाते हैं एंड फिर आगे कंटिन्यू करूँगा, ऐसी सिचुएशन में खाना चाहिए बिल्कुल हो जाएगा। हाँ जी सही है दादी, तो मेरा खाना भी आ चुका है, मैंने कढ़ाई पनीर मंगवाया, कढ़ाई पनीर एंड राइस एंड ये मेरी मम्मा की थाली है, अब दोनों ही खा रहे हैं, तो लेट्स हैव दिस, जल्दी से ख़त्म करते हैं, टेस्ट कैसा कैसा मम्मा, अच्छा चलो तो खाते हैं जल्दी से ना, मेरा तो पेट भर चुका है, पेट भर गया बहुत ज़्यादा, बाबा रे नींद बहुत गंदी, मम्मा भी खा रही है, मेरा खाना मम्मा खा रही है, मैं समझ एक बार में थोड़ा बहुत ही खा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाता, ये इशू है मेरा, ऑलमोस्ट डन, अब चलते हैं घर, बहुत जल्दी घर जाना, ठीक है तो जल्दी से घर चलते हैं, ठीक है। आज यार सुबह से बारिश हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या सीन है, बिन मौसम बरसात है, मानसून आ गया है इतनी जल्दी, समझ नहीं आ रहा यार, क्लाइमेट चेंज सही में क्लाइमेट चेंज हो रहा है कैसे यार, क्योंकि कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ है कि यार मई के महीने में बारिश हो रही हो, जून जुलाई के बाद पड़ती है, मेन गर्मी तो जून जुलाई की होती है, एंड आई डोंट नो अब बारिश क्यों पड़ रही है, वो भी येलो अलर्ट ऑरेंज अलर्ट दिखाया हुआ है, सॉरी अभी दिल्ली में दो तीन दिन बारिश दिखाई हुई है, गाज़ियाबाद दिल्ली नोएडा दिल्ली एनसीआर पूरे में, सो आई डोंट नो क्या चल रहा है,